सत्य को, सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज तक हम ये जानते ही नहीं थे कि हमें केवल सत्य मिला है। जिस चीज को बुद्धि ठीक समझती थी उसी को हमने सत्य मान। फिर बहकते बहकते ये बुद्धि इस दिशा में चल पड़ी कि कोई सा भी काम करो वो ठीक अच्छा है, उसे लाभ है, यही करना चाहिए। सत्य से परे मनुष्य भटक गया और भटकते भटकते पता नहीं कौन सी खाई में जाकर गिरा हुआ है। ये देख करके लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को इस तरह से कुबुद्धि में परिवर्तित क्यों कर दिया गया। इसको सुबुद्धि बनाना था, वो कुबुद्धि हो गई और उस कुबुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकलने लग गई जिससे न तो दूसरों को कोई सुख हो सकता है न तो स्वयं को सुख हो सकता है। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं सोच करके कि ये क्या हो रहा है, मार काट हो रही है और हर तरह का हिंसक कार्य हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों तक को कोई नहीं छोड़ता। इस तरह की अनेक विकृतियां हमारे अंदर जो जागृत हो गई हैं उसको देख करके यही मैं कह सकती हूँ ये घोर कलयुग है, कलयुग की परिसीमा है। इतना तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है कि ये ऐसा काल आएगा। उन्होंने साधारण इधर उधर की बातें की, ऐसा मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो पीतल में खाना नहीं खाएंगे और लोहे में खाना खाएंगे, इस प्रकार की बहुत ही औपचारिक मेरे ख्याल से बातें उसमें लिखी हुई। लेकिन जो दृश्य है जो सामने दिखाई देता है वो बहुत भयावह और बहुत दुखी करने वाला। इसके पीछे में यही कहना चाहिए कि मनुष्य को अपना रास्ता नहीं मिला और वो कहाँ से कहाँ भटक गया, उसको सुख नहीं मिल सकता। इस सुख के खोज में वो गलत चीज के पीछे में, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, इस प्रकार मनुष्य भटकते भटकते घोर अंधकार में घुस गया। वो ये भी नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं ये कुकर्म है और इस कुकर्म का फल मुझको तो बुरा मिलेगा औरों को भी मिलेगा। इस तरह की चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये संसार कहाँ जाने वाला। अपने देश में अनेक प्रश्न हैं और देश में भी बहुत से प्रश्न हैं। ये सोचना कि बाहर के लोग बड़े ठीक हैं ये गलत बात है। वो भी खोज में लगे हुए और उस खोज में वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो उस स्थिति को प्राप्त करें जिसमें वो मनुष्यता तो कम से कम पाले। इसका जो भी परिणाम हुआ वो ये है कि मनुष्य निराशा में चला गया, उसके अंदर गहन निराशा आ गया और सोचता अब क्या करें, सब ऐसा ही चलना है चलेगा, इसको तो ठीक कर नहीं सकता। ऐसे ही वक्त एक बात हमें याद रहना चाहिए,
जो साधु संतों ने कहा है कि अपने ही अंदर खोज, अपने ही अंदर सब कुछ है। काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा आलेपा तो है संगरम। वो कौन है, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सब संतों ने हिंदुस्तान में भी कहा है, बाहर भी कहा है, सब धर्मों में ही कहा। हुआ इतना विपर्यास धर्मों का भी हो गया कि लोग इस बात को भूल ही गए कि जो हमारे अंदर है उसे खोजना है, और हमारे अंदर हमारी आत्मा है। हर इंसान में ये आत्मा पूरी तरह से जीवितावस्था में, ये आत्मा जो है यही परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। ऐसी तो बातें सभी कहते हैं, सबने ही बताया कि ऐसी आत्मा है, लेकिन लोग कहते हैं माँ हमने तो कभी जाना नहीं ऐसी कोई चीज़ों से। अब आपका समय आ गया इसे जानने का कि हमारी आत्मा अंतरात्मा क्या चीज़ है, और इस आत्मा को हम किस प्रकार पा सकते हैं। ये आत्मा मानो जैसे अछूती अंदर सब चीज को देख रही है, और अपने प्रकाश को भी अपने ही अंदर समेटे हुए। वो ये भी नहीं करती कि कहीं हम गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम पे कोई प्रकाश डाले, क्योंकि हम तो अपनी सुबुद्धि को कुबुद्धि बना चुके और हम देख ही नहीं सकते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हर तरह का गलत कर्म हम करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे आदमी। इस प्रकार हमारी सत्सत विवेक बुद्धि भी खत्म हो। अब इसी आत्मा को पाने की बात है, और इस आत्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है ये समझना चाहिए। इसी के लिए आपके शरीर के अंदर ही इसकी व्यवस्था है, कोई बाहर जाने की जरूरत है। आपके ही त्रिकोणाकार अस्थि में एक शक्ति कुंडलिनी, एक पवित्र शक्ति स्थित है, और जब इसकी जागृति होती है तो वो छह चक्रों में से गुजरते हुए अंत में ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए उस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता करती है जो परमेश्वर की प्रेम शक्ति। ऐसे अपने शास्त्रों में लिखा था, लेकिन ऐसे तो कोई करता नहीं था। अपने देश से बहुत से साधु संत बाहर गए, मेरे ख्याल से मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ गए होंगे, क्योंकि बोलीविया में भी वो सब जानते हैं, वो चक्रों के नाम जानते हैं और वो कुंडलिनी के जागरण की बात भी जानते हैं। रशिया में भी मैंने देखा, और हर जगह देखती हूँ कि पुरातन जो पेंटिंग्स हैं, जो कुछ भी वहाँ चित्रकारी है, उसमें सब चक्र बने हुए हैं। आप अगर थोड़ा सफर करें तो आप हैरान हो जाएं कि ये सब चीज़ें इन्होंने कहाँ जानी और कैसे जाना, ये किसने बताया। तो इसमें अपने यहाँ के कोई ना कोई संत साधु गए थे ऐसा बताते, और उन्होंने ये बातें बताई और हम लोगों को भी बता कर चले गए, और हमारे यहाँ भी लिख कर चले गए कि ऐसी कुंडलिनी आपके अंदर है। यहाँ तक कि जो नाथपंथी लोग थे उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो सोचते थे अगर किसी और को दे दीजिए तो लोग हैं वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, क्या न करेंगे। और हुआ है, जिन्होंने ये चीज़ पढ़ी वो दुनिया भर की झूठी झूठी बातें फैलाते हैं और खूब उन्होंने पैसा कमाने का धंधा बना। तो इनका यही विचार रहा होगा कि ये सर्वसाधारण इंसान के लिए नहीं देना, लेकिन किताबों में लिखा है। अब 12वीं शताब्दी ज्ञानेश्वर जी आए, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। छठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया, लेकिन उसके वक्त जब ऐसा भी होता है कि
धर्म के नाम पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़ो, ये बेकार चीज है, ये सबके बस का नहीं। अभी मैंने एक बड़े भारी साधु बाबा का लेक्चर सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहते ये बना उनसे आसानी से नहीं आप समझ पाएंगे, पर एक तरह से गाली दी कि आप लोग सब प्रवृत्ति मार्गी हैं, निवृत्ति मार्गी नहीं है। अब प्रवृत्ति माने इधर उधर दौड़ने की आपकी जो क्रिया है वो आपका, अब बताइए। और सब हाँ हाँ कर रहे, और आप निवृत्ति मार्गी नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग में मत जाइए, क्योंकि सहयोग ज्ञान मार्ग। आप अपने तरीके से चलिए और गुरुओं की सेवा करिए, उनको पैसा दीजिए, उनको ये करिए वो करिए वो। और लोग मान गए। कोई किसी को कहे कि तुम निवृत्ति मार्गी नहीं हो तो एक तरह से तो गाली हो गई, लेकिन किसी को संस्कृत मालूम नहीं जो बोल रहे हैं, ठीक है भाई कुछ तो उन्होंने बनाया है। और प्रवृत्ति का मतलब है आप अलग अलग चीज की तरफ दौड़ना। और इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप सर गुरुओं की सेवा करिए, एक पोता भर के आप एक बहुत से ये ले आइए, कहते हैं जिसको के मूर्तियां ले आइए, उनकी पूजा करिए। अब बैठे हैं सवेरे 4 बजे से कर रहे हैं, फिर ये उपास करिए, वो तपास करिए, इतने कर्म कांड हमारे अंदर भर दिए कि हम उसी में लूटे जा रहे हैं। ये भी नहीं हमारे समझ में आता कि ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा हुआ, हमारे बाप दादाओं ने ये किया और हम भी वही कर रहे हैं। और मोहम्मद साहब ने भी साफ कहा कि मूर्ति पूजा बंद, क्योंकि पता नहीं किसने बनाई है, किस वजह से बनाई। लेकिन ये पूछिए कि उन्होंने जो मक्का में एक काले पत्थर के चारों तरफ प्रदक्षिणा डालने की बात की, वो क्यों करी? उस पत्थर की क्या विशेषता थी, उस पत्थर में क्या बात थी जो कह रहे थे मूर्ति पूजा मत करो तो इस पत्थर के चारों तरफ क्यों घुमाते? उसकी वजह यह थी कि मक्का में मक्केश्वर शिव है, वो शिव है, मक्केश्वर शिव है। लेकिन अब कैसे जानिएगा आप कि वो मक्केश्वर शिव है? आप कैसे जानिएगा कि स्वयंभू मूर्ति कौन सी है? आपके पास कोई साधन नहीं। इसीलिए जब ये कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये 6 चक्रों को छोड़कर जब उस चारों तरफ फैली हुई उस दैवी शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब आपके हाथ में ही चैतन्य बहता है। तब आपके हाथ बताएंगे कि क्या सत्य और क्या गलत है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर पहले ही से बना के रखी, ये कुछ बनाने की जरूरत है। अब आपके हाथ बता रहे हैं माने आपके हाथ जानते हैं। ये भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। आ गया कियामा, अब इसे प्राप्त करो। कोई पढ़ता भी है कि नहीं पता नहीं, जब हाथ बोलेंगे तो इस हाथ से पता चलेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज सत्य है। अब कोई कहे कि मक्का में क्या रखा है, अब हाथ उधर करके देख लीजिए। जो लोग सहयोगी हैं सब देख सकते हैं कि कितने चैतन्य की लहरियां। तो कौन सत्य है और कौन असत्य है ये आप अपने हाथ पर जान सकते हैं। इसकी इतनी सुंदर व्यवस्था, ये पूरा यंत्र ही हमारे अंदर बना हुआ इतना सुंदर। और फिर जब ये व्यवस्था हो जाती है, जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो कमाल की बात है कि आपके अंदर के दोष अपने ही आप लय हो जाते, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में गुजर जाते।
आपके अंदर काम क्रोध मोह मद मत्सर लोभ ये जो आपके शत्रु हैं भाग जाते। हम हमें तो आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड में जब हमने पहले दिन प्रोग्राम किया था तो वहाँ 6 ड्रग एडिक्ट आए थे, वो लोग ड्रग लेते थे और दूसरे दिन ही वो साफ हो गए। तो ये तो कमाल है, ये कैसे हो गया? पहले पता नहीं, अब तो हमें लेना नहीं, माँ हमें अच्छा नहीं लगा, हमें देखना नहीं। बड़े बढ़िया लोग हो गए, वही आज बहुत कार्यान्वित है और कार्य कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कि जो अपने को प्राप्त करो कहा है, माने अपने आत्मा को जानो, उसकी व्यवस्था भी हमारे ही अंदर बनाई हुई है, जैसे कोई बड़ी दैवी हमारे यंत्र विद्या है, या कहना चाहिए कि मशीन है हमारा। और जब ये चल पड़े, जब ये शुरू हो जाते, तब एक से एक चमत्कार आपको अपने ही बारे में दिखाई दे। कितने शराबी कबाब से उन शराब छोड़ दी, कितने ही दुष्ट लोग थे उन्होंने दुष्टता छोड़ दी। मैं तलियाती में गई तो वहाँ पर एक माफिया के मुख्य डॉन चीफ वन, तो उन्होंने सहयोग ले ली। तो भाई कमाल है, इन्होंने सहयोग कैसे ले गए? कहले माँ वो सहयोगी हो गए, वो आपसे मिलना चाहते। वो आए तो इतने नम्र, बस उन्होंने इतना कहा कि माँ मैंने बहुत गुनाह किया, उनकी मुझे माफ़ी हो जाएगी या नहीं ये बता। अरे मैंने कहा क्या बात कर, तुमने गुनाह किए वो तो हो गए, भूतकाल में हो गए, पीछे हो गए, आज मैं तुमसे तो बात कर रही हूँ वर्तमान की, और वो बात खत्म हुई, अब वर्तमान में तुम क्या हो, तुम आज कहाँ से कहाँ हो गए हो ये देख लो। फिर उसने इतनी मदद की हम लोगों की, इतनी सराहना करी, और एक तरह से बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह जो माफिया का सबसे वहाँ मुख्य आदमी था उसमें ये बदल कैसे आ गया, वो कैसे इस चीज़ को मान गया, ये घटित हो गया। उसने कुछ उसको लेक्चर नहीं दिया, कुछ उसको समझाया नहीं, बताया नहीं, ये घटना है। और ये घटना इस कलयुग में होना अत्यावश्यक, क्योंकि उससे आदमी जो है परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब आदमी परिवर्तित हो जाता है तब वो इतना निखर आता है, इतना सुंदर हो जाता है। आज दुनिया को इस परिवर्तन की जरूरत है, और यही परिवर्तन करना ही हम सोचते हैं आप सब सहयोगियों का कार्य है। मैंने तो जहाँ तक हुआ यह मैंने इतने देशों में घूमी फिरी हूँ, अब आप लोगों को चाहिए जो सहयोग में आए हैं या आने वाले, उनको चाहिए कि और लोगों को बचाएं और उनको इस परिवर्तन में लाएं। बहुत से लोग भटके हुए हैं, यानी परमात्मा के नाम पे भटके हुए, धर्म के नाम पे भटके हुए, किसी भी चीज़ में भटके हुए हैं, उनको जब आप इस अवस्था में लाएंगे तब आप देखिए उनका रूप कैसे बदल जाता है। अब इतनी सारी यहाँ बत्तियाँ जल रही हैं, इनका अगर कनेक्शन उसके साथ न हो, मेंस के साथ, तो क्या जल सकती है? इसी प्रकार जब तक हमारा ही संबंध, जैसे कि ये है, इसका संबंध अगर मेंस के साथ नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार हमारी हालत है कि हमारा संबंध उस महान शक्ति के साथ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्य ही प्रेम, ये सत्य ही आनंद है। जब आपका चित्त इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित होता है तो आप एक अलग ही प्रकाशमान व्यक्ति हो जाते हैं। ऐसी व्यक्ति की जो सारे संसार की भलाई कर, सारे संसार में सुख दे सके। अगर मनुष्य बदल गया तो कौन सी आफत आएगी? सारी आफत तो मनुष्य से ही है। जब मानव ही बदल जाएगा तो कोई सी भी परेशानी, कोई सी भी तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि किसी तरह से
जितना हो सके और लोगों की भी जागृति करें और इस जागरण में उसे प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने के बाद देखिए, मैंने तो यही देखा, न कहीं झगड़ा होता है, न कोई आफत होती है, कोई भी देश के लोग आए, कहीं से भी आए, न कोई मोर्चा बांधता है, न कोई झंडे उछाता, कुछ नहीं, बस एक दूसरे का समागम ही सबसे बड़ा आनंद का साथ, और एक दूसरे से मिलकर ही बड़ा अच्छा लगता है। अपने देश की तो संस्कृति है कि भाईचारा होना चाहिए, सबसे आपसी मिलावा होना चाहिए, हर एक चीज़ में एक तरह से हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये तो अपनी संस्कृति है। पर फिर विचित्र विचित्र बातें होती गई, ये देश अनेक इसमें विभाजित हो गया और इसलिए इसमें भी बहुत से झगड़े हो रहे हैं। जहाँ देखो वहीं झगड़े, कहीं जाइए तो एक मोर्चा लिए वो खड़े हैं, तो उधर दूसरा मोर्चा लिए खड़े हैं, और कोई भी बात को लेकर के, इस तरह से कोई सी भी चीज़ को लेकर के एक गठबंधन करने का और झगड़ा करने का, ये इंसानियत की निशानी नहीं, ये तो जानवर भी नहीं करते, फिर इंसानों को ऐसा नहीं करना। इंसान जो है ये सबसे ऊंची चीज़ परमात्मा ने बनाई है, और उसने इतना सुंदर अपने अंदर ये पूर्णतया एक इंतज़ाम कर दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप बहुत आसानी से इसे प्राप्त कर सकते, और इसके लिए आपको पैसा ऐसा देने से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं आपको 1,00,000 रुपया देता हूँ, आप मेरी कुंडलिन जगाइए। मैंने कहा जनाब, मैं आपको 2,00,000 रुपये देती हूँ, आप बातचीत बंद करें, क्योंकि कुंडलिनी को पैसा नहीं समझ रहा। कुंडलिनी जो है ये एक दैवी शक्ति आपके अंदर है, आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी शुद्ध इच्छा नहीं हुई तो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, पैसा क्या चलेगा, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर शुद्ध इच्छा है तभी ये कार्य हो सकता। अब हमारी कोई सी भी इच्छा शुद्ध नहीं है, अगर शुद्ध होती तो ये आपका आजकल का जो इकोनॉमिक्स है यही ना चलता। इकोनॉमिक्स में क्या है कि आज आपने समझ लीजिए मारो धाड़ करके घर बनाया, उसका कोई संतोष नहीं, फिर आपको मोटर चाहिए, उसका भी कोई संतोष नहीं, किसी चीज़ से संतोष ही जब नहीं मिलता, इसका मतलब आपकी इच्छा शुद्ध नहीं। अगर शुद्ध इच्छा होती तो आपको संतोष मिलता, लेकिन एक ही चीज़ में शुद्ध इच्छा है, और वो ये है कि आपको अपने आत्मा का आत्म साक्षात्कार होना, आत्मा आपके चित्त में आना चाहिए, उसका प्रकाश आपको आनंद देगा, शांति देगा, सब तरह से ज्ञान देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपको सामूहिक बनाएगा। इसमें आप सामूहिक हो जाते। सामूहिकता की बात यह है कि दुनिया में हम लोग जो सोचते हैं कि हम अलग हैं, वो फलाने हैं ठिकाने, ऐसे तो परमात्मा के नज़र में नहीं। परमात्मा के नज़र में सब हम लोग उन्हीं के आश्रय में हैं। ये दिमागी दिमाग खर्च है कि हम ऊँचे हैं, वो नीचे हैं, वो फलाना वो ठिकाना, ये सब बिल्कुल ही दिमागी खर्च। आज देखिए, आज हमसे मिलने आए थे साहब, वो आइवरी कोस्ट के मिलिट्री के मुख्य थे, इतने नम्र आदमी, कुछ पूछे इतने नम्र आदमी, मैं तो हैरान हो गई कि उसके मिलिट्री के मुख्य थे और आके बड़े नम्रतापूर्वक मुझसे कहते हैं कि माँ ऐसा करिए कि हमारे देश में सब लोगों को सहयोगी बना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ही बना सकते हो सबको। चले मैं तो इतना मज़े में आ गया हूँ, उन्होंने 3 बीवियों से डिवोर्स किया, और अब कहने मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैंने क्या ज़िंदगी बनाई और मैं कैसे, मैंने क्यों ऐसी ज़िंदगी बनाई, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन अब जो है मैं एकदम बदल गया, और मेरे अंदर इतना आनंद और इतनी शांति और इतना सुख, और 600 लोग वहाँ पर
जो है सहयोगी हो गए। अब उन्होंने मुसलमान धर्म लिया था, तो मैंने कहा तो मुसलमान क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये जो फ्रेंच लोग हैं इनमें तो कोई नैतिकता है ही नहीं, मोरालिटी है ही नहीं, इनकी तो नैतिकता एकदम बिल्कुल गई भी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि कम अज कम मुसलमानों का धर्म ले लो, उसमें थोड़ी तो नैतिकता बनी रहेगी, इसलिए हम हो गए। तो मैंने कहा सहयोग में तो सभी धर्म एक समान है और सब धर्म से आप आ सकते, इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं है, कोई नीचा नहीं ऊंचा नहीं, उल्टे आप अपने धर्म को बहुत अच्छे से समझ, उसकी जो गहराइयां हैं उसको समझ। अभी तक आप भटक रहे हैं तो आप उसे पा सकते हैं जो असलियत है, जिसके लिए धर्म बनाए गए थे। जो लोग आजकल धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा ये वो करते हैं, ये कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, तो गलत चीज़ है। और ये गलत काम इसलिए हो रहा है कि फिर से मैं कहूँगी कि अंदर एक कुबुद्धि आ गई और ये कुबुद्धि ये कार्य, अब इस कुबुद्धि को भी प्रकाशित करती है आपकी कुंडली। जब वो इस चक्र से गुजरती है, आज्ञा जिसे कहते हैं, तो वो प्रकाशित कर देती है और आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, ये किस बेवकूफ़ी में दौड़ रहा था, ये किस बात को लेकर मैं लड़ रहा था। जब तक आप अपने को नहीं जानिएगा, आप सत्य को पहचान नहीं सकते और आप झूठी चीज़ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, अपनी करेंगे, अपने बच्चों की करेंगे, इतना ही नहीं पर सारे देश का ही सत्यानाश हो जाएगा, अनेक देशों का इस तरह से सत्यानाश हो रहा। इसलिए एक जो ये चीज़ हमारे देश में है और जो बहुत ही पवित्र चीज़ है कि आपके कुंडलिनी का जागरण करना है। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ, आपकी अपनी व्यक्तिगत, आपकी अपनी ही माँ, वो किसी की और माँ नहीं। जैसे आपके माँ से हो सकता है 5-6 बच्चे हों, 8-10 बच्चे हों, इस कुंडलिनी के आप ही बेटे हैं, आप ही बेटी। अब इस कुंडलिनी का जब जागरण होता और जब ये जागरूक होती है तो इसको सब कुछ मालूम है आपके बारे में, इसके अंदर आपके बारे में सारा रिकॉर्ड है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या थे, आपने क्या क्या दोष हैं, आपके शरीर में क्या दोष है, कहाँ कौन सी तकलीफ, सब मालूम। उसको संभालते हुए ये आपकी माँ उठती है और आपको इतनी भी तकलीफ नहीं होगी, आश्चर्य, इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये माँ है। जब आप पैदा हुए थे तो माँ ने सारा दुख अपने ऊपर झेला था, आपको कोई तकलीफ नहीं दी थी, उसी प्रकार ये माँ है। और जब इसका जागरण होता है तो किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती और आप एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और फिर ये आश्चर्य होता है कि आप ऐसे थे, ये सब आपके अंदर था, इतनी संपदा थी, ये पता ही नहीं था। और हर तरह से आपको फायदा होता, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, चारों स्तर पे ये चक्र कार्य करते हैं और सब तरह से ये मामला बन जाता है। इसमें शक नहीं कि सहयोग में आने के बाद तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, सब चीज़ अच्छा हो जाता है, इतना ही नहीं, लेकिन और जो कुछ सांपत्तिक स्थिति है वो भी लक्ष्मी की कृपा से ठीक हो जाती है। अपने देश में जितने लोग सहयोगी बने हैं अधिकतर उनकी सबकी सांपत्तिक स्थिति ठीक है, उनका व्यवहार ठीक हो गया, उनके झगड़े खत्म हो गए, सब कुछ, क्योंकि ये शक्ति चारों तरफ विचरण करती, हर जगह विचरण करती और बड़ी कार्यान्वित है। और इस शक्ति के सहारे हमारा बहुत कुछ भला ही नहीं लेकिन एक विशेष रूप का आदर्श जीवन बन जाता है। ऐसा जीवन कि जिसे देख लो कहे ये क्या एक आदमी है इस तरह का, ऐसे पहले कहते थे एक साधु संतों के लिए, आज तो सहयोग में इतने लोग बैठे हुए हैं और इतने लोग सहज में आए। ये इतने देशों में फैलने का कारण ये है कि सब देशों में एक प्रकार की बड़ी ग्लानी, एक तरह की निराशा और दूसरे बहुत ज़्यादा हिंसक वृत्तियाँ बढ़ गई।
तो उसमें जो लोग थे जिन्होंने सोचा ये गलत, तो वो सहज में आए। ऐसे बताते हैं कि 86 देशों में सहयोग फैल गया। हालांकि मैं इतने देशों में तो गई नहीं, सही बात है, पर जैसे बीज उड़ करके जाए जहाँ भी वहाँ पौधा खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार सहयोग फैल गया। और बड़ा आश्चर्य होता है कि वहाँ से लोग यहाँ आ जाएंगे और वहाँ भी आते हैं, इटली भी आ जाते हैं, पर मैं उसे देश में अभी तक नहीं जा सकती, और हो सके तो कभी चली भी जाऊँगी। लेकिन उनका जो प्यार है, उनका आपसी प्यार है, और जो उनके आपसी मेल जोल है, वो देख करके बड़ी हैरानी। किसी एक आदमी के लिए भी, अभी बम्बई में जब बॉम्ब फूटा था तो एक लड़का था, हमेशा कहता था माँ मैं जीना नहीं चाहता, मेरी माँ बहुत ख़राब है, ये है वो है, बार बार यही कहता था, वही एक लड़की की डेथ। तो सारे सारे देशों में, इतने देशों में ये खबर हो गई और सब लोग दौड़ कर और पता लगाया कहाँ है, क्या है ये वो। फिर वहाँ जाकर कहा कि साधु संत थे ये, तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुमको ज़मीन देते, तुम चाहो तो इनको ना चलाओ, इसी में गाड़। ऐसे ऐसे लोगों ने वहाँ चिट्ठियाँ भेजी कि मैं तो हैरान हूँ। उसके बाद में अभी मैंने देखा कि हमारे भाई साहब की डेथ हो गई, बाबा मामा, उन्होंने बहुत लोगों को प्यार दिया। इतने लोगों के फैक्सेस आए कि मैं अभी तक उसमें से गुजर ही नहीं पाई। इतना प्यार, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें उसके बारे में लोगों ने लिखा कि मैं सोचकर हैरान हूँ। मैं नहीं सोचती थी कि ये इनका इतना प्यार लोगों में बटा हुआ, इतने लोग उनको प्यार करते। तो ये सारा प्यार का माहौल इसमें आप आ जाए, सब आपको प्यार करें, आप भी सबको प्यार करेंगे, यही सबसे बड़ी बात है सहयोग की, कि सहयोग की शक्ति जो है प्रेम की शक्ति, और इसके आगे कोई और शक्ति नहीं चल पाई, कोई इससे बड़ी शक्ति नहीं। जो प्रेम की शक्ति है उसी के एक बड़े भारी आवरण में आप हैं, और हमेशा आपका संरक्षण है, आपको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आपसे परमात्मा प्रेम करते। उनके आगे कौन चल सकता, उनके आगे कौन दुष्टता कर सकता। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ उदाहरण हो गए कि लोग कहते हैं माँ कैसे मैं बच गया, मेरे समझ में कैसे मैं पा गया, मुझे पता नहीं। ये सारी बातें सुन के आप लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सब आपके ही भाई बंद हैं, सब आप ही के लोग हैं, और इसको देख करके फिर ये लगता है कि दुनिया बदलने वाली, और दुनिया में बड़े अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे, और उसमें लोग हमेशा हमेशा एक महान देश, एक महान व्यक्तित्व, एक महान कार्य को लेकर जिए। ये होना है और हो रहा है, पर अभी भी बहुत लोगों को परिवर्तित करना है। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और अभी तक इंसान बने रहे लेकिन इंसानियत से भी उतर गए। इनका परिवर्तन बहुत आसान है, उसे आप प्राप्त करें। परिवर्तन के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है, और उसके लिए सिर्फ कुंडलिनी के जागरण से होता है और किसी से होता नहीं। अब कोई कहेगा कि माँ ये इसको अगर हम पानी में डाल दें तो चलेगा, नहीं या इसको हम जलाएं तो चलेगा, नहीं चलेगा। इसका सिर्फ कनेक्शन आपको लगाना है। तो ये आपको पैसे नहीं देने के, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने को देना होगा, और जहाँ भी आपके सेंटर हो वहाँ जाएं और अपने उसको बढ़ाएं। तो ये बहुत लोग कम करते हैं, इसलिए उनकी उन्नति होती नहीं है। जब आप तक आप उसको सामूहिकता का प्यार नहीं देंगे, जैसे कि पेड़ पौधों को आपको जल देना होता है, उसी प्रकार ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं। और इसीलिए ईसा ने कहा है कि कुछ बीज थे वो तो ऐसे ही पत्थर पे गिरे, कुछ बीज थे वो ऐसे ज़मीन में गए कि वहीं ख़त्म हो गए, पर कुछ बीज ऐसे थे जो कायदे की ज़मीन में रहे और पनप करके वृक्ष।
सो इसमें कोई धर्म की निंदा नहीं है, किसी धर्म के विरोध में नहीं है, पर ये सारे धर्मों का गौरव उनकी विशेषता है और एक संबंध ऐसा जबरदस्त इन सब धर्मों में है वो स्थापित होता है। एक बहुत ही ज़्यादा आनंदमय सुखमय ऐसा जीवन आपके लिए भविष्य में बना हुआ, इसे आप प्राप्त करें, ऐसा मेरा आपको अनंत आशीर्वाद। अब इसमें यही बताना कि जिसको कुंडलिनी का जागरण न चाहे वे कृपया बाहर चले जाए, क्योंकि यह कोई तमाशाखोरी नहीं है और जो लोग इसमें ध्यान में जाना चाहते हैं उनके साथ आप एक तरह से परेशानी में डाल रहे हैं, इसलिए आप मेहरबानी से जिनको नहीं करना ध्यान वो कृपया बाहर चले जाए। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि आप पे कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि आप बैठे रहें, आप आए हैं ठीक है आपने भाषण सुना, लेकिन आप अगर जागृति नहीं चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, उसको कोई भी बुरा नहीं मानेगा। इस धरती पर आप बैठे हैं ये बहुत पवित्र भारत भूमि की धरती है, आपकी भारत भूमि जो है योग भूमि, इसका महात्म्य आप नहीं जानते। जो ये लोग बाहर से आते हैं तो एयरपोर्ट पे ज़मीन को झुककर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं और कहते हैं कि माँ इस धरती पर किस कदर चैतन्य बहरा, इसे आप आज जानते नहीं पर आप जान जाइएगा। एक बार हम एरोप्लेन से आ रहे थे तो हमने अपने पति से कहा कि आ गए हिंदुस्तान को आ गए, तो उनका कैसे जाना, मैंने कहा चारों तरफ चैतन्य बहरा, तो उन्होंने पायलट से जाके पूछा तो हाँ साहब हम तो हिंदुस्तान आ गए, ये आपका भारतवर्ष। और मैं उस आदमी को बहुत महत्व देती हूँ और मान्यता रखती हूँ कि जो देशभक्त है, देशभक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश एक विशेष देश है, ऐसा देश दुनिया में नहीं। इस देश के प्रति अगर आप में भक्ति न हो तो आप कुंडलिनी का जागरण नहीं प्राप्त करें। सारे विश्व की कुंडलिनी भी इसी देश में, कमाल की चीज़ है कि अभी तक आप लोग अनभिज्ञ रहे पर इस देश की जो शक्ति है महान है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं। वो भी झुकेगी आदर और प्रेम से, तलवार की जोर से नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों में यहीं के सरजमी का खाया हुआ अन्न है, उनके खून में वही चीज बह रही, तो देशभक्ति बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, विशेषकर सहयोग के लिए। यहाँ तक कि ये लोग जो बाहर से आए ये भी आपके भारत को बहुत मानते हैं, यहाँ तक कि अपने यहाँ भारतवर्ष के नक्शे लगाए हुए हैं, यहाँ के जो महान महान लोग हो गए उनके घरों में अपने घरों में फ़ोटो लगाए, और ये सारे जितने भी देव देवता हैं उन सबको मानते हैं क्योंकि वही चक्रों में विराजमान है। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि एक तरह से हमें जब तक अपनी सभ्यता और अपने देश की विशेषताओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम देश से प्रेम भी नहीं करते, इसलिए सोचना चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस देश में आपका जन्म हुआ, जो आप इस देश में आए, बड़ी भाग्य की इतनी सस्य श्यामलाम भूमि है, इसके लिए और कुछ कह नहीं सकते। अभी आपके कुंडलिनी के जागरण के लिए मैंने कहा था सब लोग बैठे हुए हैं कोई गया नहीं, इसका मतलब है आप लोग सब चाहते हैं कि आपका जागरण हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्रोत्साहित होता है इंसान देखकर। अच्छा अब सिर्फ बहुत हल्का है, आप हिंदुस्तानी हैं और इस भूमि पर बैठे हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, और जगह मेरे हाथ टूट जाते हैं
लेकिन भारतीय लोगों में इतनी भगवान ने विशेषता दी हुई है आत्मिक जीवन की कि कोई तकलीफ नहीं होती और बहुत आसानी से ये कार्य हो जाता। अब आप दोनों हाथ मेरे ओर ऐसे, हाथ मत बंद कर, प्लीज डोंट क्लोज योर आईज, जस्ट कीप बोथ द हैंड्स ओपन। Now please put your left hand towards me and put the right hand on top of your head. Left hand mere aur kare aur right hand ko talu ke upar jo ek sikdasi haddi hoti hai bachpan mein uske upar pakde aur apne haath ko ghumaye upar niche dono taraf ghumaye और देखें कि उसके अंदर से कोई ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है क्या। इसी को स्पंद कहा गया। देखिए अगर कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गरम हवा आ रही है। अब अपना राइट हैंड मेरे तरफ, मैं इसलिए अंग्रेजी में कह रही राइट एंड लेफ्ट क्योंकि हिंदुस्तानी भाषाओं में हर जगह अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड से आप देखिए फिर अपने तालू के ऊपर सर झुका लें, सर झुका के देखिए, प्लीज बेंड योर हेड एंड सी फॉर योरसेल्फ कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। देखिए किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती, किसी को अलग अलग दिशा में आती है, पर आप इसको महसूस करें, इसकी प्रचीति होनी चाहिए। यह अनुभव है, यह अनुभव के सिवा किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आपके सर में ठंडी या गर्म हवा आ रही। अब गर्म हवा इसलिए आ रही है कि आपने अभी तक किसी को माफ नहीं किया। आपको अपने को भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है। बस इतना करें, सिर्फ कहें कि माँ मैंने सबको माफ कर दिया और खुद को भी माफ कर दिया। देखिए एकदम आपको आश्चर्य होगा कि हवा ठंडी आने लग जाए। अब दोनों हाथ मेरे तरफ करें दोनों हाथ और कोशिश करें कि कोई विचार ना आए, निर्विचारिता में आ जाए, क्योंकि विचारों से ही हमारे अंदर को बुद्धि आती। आप निर्विचारों में आ जाए, अब जिनके हाथ में या उंगलियों में ठंडी हवा आ रही या तलवे में ठंडी या गर्म हवा आ रही और सर से जिसके ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। I'm saying those who get the cool or hot breeze. Wow. सारी दिल्ली आपकी जो है, वाह 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 वाह, क्या कहने, अनंत आशीर्वाद है आपको। मैं हृदय से कहती हूँ अनंत आशीर्वाद है, सारी दिल्ली पार हो गई, अब और क्या चाहिए। अनंत आशीर्वाद, अनंत। May God bless you all. You all got realization, the whole of Delhi. Can you imagine?
अब इसमें थोड़ा सा ध्यान किया है आप, उसके लिए आप अपनी अपनी जगह, सब जगह सेंटर्स हैं, जाइए, ध्यान करना पड़ेगा 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद आप देखिए क्या आपकी हालत होती है। एक आनंद के इसमें चले जाएंगे, बहुत बड़े आनंद के सागर में डूब जाएंगे, ये जो बूंद है वो सागर हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और अनंत आशीर्वाद। Mm-hmm.